we shall talk about polity in English and Hindi, in both the languages. भारतीय राजनीति एक डिसिप्लिन है जिसमें संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का विकास, नागरिकता, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, निर्देश सिद्धांत, कार्यकारी सिद्धांत, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में और मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ न्यायपालिका और राज्य सरकार, स्थानीय सरकार जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला यानी डिटेल में बताया गया है। इस चीज़ को पॉलिटी कहते हैं। चुनाव प्रणाली और कई और बहुत सारी बातें हैं जो ये सब्जेक्ट कवर करता है। भारतीय राजनीति यानी पॉलिटिक्स सामाजिक विज्ञान के आवश्यक विषयों में से एक है जो हमें अपने लोकतांत्रिक शासन, डेमोक्रेटिक शासन के साथ साथ हमारे अधिकारों यानी राइट्स को भी समझने में सक्षम बनाता है, यानी कि हमको समझने में मदद करता है। अब डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, एग्जीक्यूटिव कैसे फंक्शन करता है, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या चीज़ है, जुडिशरी कैसे फंक्शन करती है, लोकल गवर्नमेंट्स का क्या मतलब होता है, इलेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इन सब चीज़ों के बारे में पॉलिटी हमें समझाती है। तो एक एक चीज़ हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको ये सारी बातें पढ़ने को मिलेगी। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी देश का एक संविधान एक दस्तावेज है यानी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उस देश में एक साथ रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किए गए लिखित नियमों का एक सेट यानी रूल्स शामिल होता है, इंक्लूड होते हैं उसमें रूल्स उस डॉक्यूमेंट में। किसी देश का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन भूमि का सर्वोच्च कानून है यानी लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, और यह उस देश में रहने वाले लोगों के बीच संबंध यानी रिलेशनशिप को निर्धारित करता है और सरकार निर्धारित करता है और उनके प्रति नीतियों की भी नियंत्रित करता है यानी पॉलिसीज टूवर्ड्स इट्स सिटीजन्स, इट रेगुलेट्स द पॉलिसीज टूवर्ड्स इट्स सिटीजन्स। इन दिस वीडियो आई विल लेट यू नो दैट द एंटायर प्लेलिस्ट ऑन पॉलिटी, आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम टिप टू टू यानी सारी बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस, पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया कैसे ब्रिटिश इंडिया में आए, क्या है चार्टर 1726 का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है, पांचवी बात है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट 1813 1833 1853, उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो कि बहुत बार पूछा जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और साइमन कमीशन बहुत बार पूछा गया 1927 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये एक फाउंडेशन था, क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट फाइनली 1947 में, और ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेगी। तो ये जो 17 चीज़ें हैं ये बैकग्राउंड देती है आपको, जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक। किस चीज़ का टॉपिक, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पॉलिटी। इफ़ यू थिंक दैट द सीक्वेंस इज नॉट राइट, अगर सही नहीं है काइंडली लेट मी नो, क्योंकि हम ऐसे ही आगे बढ़ने वाले हैं, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें। आफ्टर द फ्रेमिंग वी विल डिस्कस द कंपोजिशन, वर्किंग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्रॉ रेजोल्यूशन, इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द चेयरमैन एक्सेट्रा। आई होप द ऑर्डर इन विच वी आर इनिशिएटिंग एंड मेकिंग द वीडियोज इन टाइम्स टू कम विल प्रूव टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। And I hope that you like the video. And it is all for the subscribers of OnePolish. We'll start off with the next video from a fresh topic from our list. Please share and don't forget to subscribe the channel. Have a good day. Thank you.